सोलन में पेंशनों की नजरअंदाजी पर सभी पेंशनर्स बिफरे हुए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उन्हें आज तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया है, जिसके चलते प्रदेश के करीब 1.5 लाख पेंशनरों की उम्मीदों को ठेस पहुंची है। और मुख्यमंत्री, हिमाचल के पास कल तक का समय है, अगर वे पेंशनरों के हितों का ख्याल नहीं रख सकते हैं तो सभी पेंशनर उनका आने वाले चुनावों में सहयोग नहीं करेंगे, अन्यथा उन्हें चुनावों में पेंशनरों का आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। संस्था के उपाध्यक्ष जगन्नाथ निराला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेंशनरों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद अगले चुनावों की घोषणा होने वाली है, लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरा नहीं की गई। इसलिए अगर कल तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे आने वाले चुनावों में कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे और जो भी राजनीतिक दल उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देगा उनका सहयोग वे चुनावों में पूर्ण रूप से करेंगे।